हेलो हसीना जी, हम जानते हैं कि वह अचानक हमारी आवाज सुन के आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन यह समय उन सवालों का नहीं है। हम जो कहने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। पहले हमें यह बताइए कि क्या वो हार्ड डिस्क आपके पास है? हाँ, हमारे पास है। लेकिन आप इस बारे में कैसे जानते हैं? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे हसीना जी। सबसे पहले आवश्यकता है आपकी सुरक्षा की। ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। उस हार्ड डिस्क में सक्रिय गुप्तचरों की एक लिस्ट है, जो अगर देश के दुश्मनों के हाथ लग गई तो आप समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी क्षति होगी हमारे सुरक्षा तंत्र के लिए। उस हार्ड डिस्क को हासिल करने के लिए हमारे दुश्मन किसी भी हद तक जा सकते हैं। हसीना जी, आपकी जान को खतरा है। क्या? वो आदमी सत्य, असली नाम विक्रांत, घनिष्ठ मित्र था हमारा। दुश्मनों को पता चल गया था कि वो हार्ड डिस्क उसके पास है, उसी कारण उसकी जान गई। और अब दुश्मनों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो हार्ड डिस्क आपके पास है हसीना जी, और उस हार्ड डिस्क तक पहुंचने के लिए वो हर संभव असंभव प्रयास करेंगे। इसलिए आप कृपया करके तुरंत वहां से निकलिए और किसी सुरक्षित जगह चले जाइए जिसके बारे में किसी को भी पता ना हो। निकलिए आप वहां से। देखिए, हम थाने में, इससे सुरक्षित जगह और क्या। जी, आपके थाने के दो पिस्तौल, चार राइफल, दो डंडे उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप निकलिए वहां से। तो आज का मेरा ये संदेश यहीं खत्म होता है। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो मैडम सर। आपके लिए बस इतना ही कह सकती हूँ कि आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, आपके लिए डिसमेंटल भी हो सकती हूँ। हैप्पी बर्थडे मैडम सर। इस लिस्ट में आपका नाम भी है, आपने कभी बताया नहीं कि आप। नहीं हसीना जी, ये समय बातों का नहीं है। आप कृपया करके वहाँ से निकलिए और किसी सुरक्षित जगह चले जाइए, और जहाँ पर भी आप जाएंगी उस जगह के बारे में भी किसी को मत बताइएगा। आप समझ रही है ना हम क्या कह रहे हैं? किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं, हमें भी नहीं। और हाँ, एक बात और, जीवित रहिएगा। बहुत कुछ है जो आपसे कहना है। जय हिंद। हार्ड डिस्क को हासिल करना है, हसीना मलिक को जान से मारना है। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? हम बस कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये मैडम सर अचानक से कहाँ चली गई? नहीं, अच्छा है ना, तब तक बाकी की जो तैयारियां बाकी है वो कंप्लीट हो जाएगी, और चीता और पुष्पा जी भी आ जाएंगी ना केक और गिफ्ट लेके। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है सर। तो हम, हाँ, तुम तैयारी करो, हम आते हैं, हम आते हैं। ओके मैडम, आपका जैकेट। धन्यवाद सर। मीरा मैडम कहाँ जा रही है? अभी इतना सारा काम पड़ा है। करिश्मा से क्या हो गया? आप इस तरह से क्यों?
हाँ माफ कीजिए मैडम सर, पर हमें ऐसा लगा कि हमें आपके साथ होना चाहिए, मतलब आप जब निकली ना थाने से तो ऐसा लगा हमें हम आ जाएं आपके साथ। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, हम बस ऐसे ही कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, हम थोड़ी देर में लौटेंगे। हाँ नहीं मतलब हम आपके साथ आ जाते हैं, लेकिन हम आपके काम में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम एक शब्द नहीं बोलेंगे, बस आपके साथ हम आना चाहते हैं। करिश्मा सिंह रिलैक्स, हम बिल्कुल ठीक है, हम यूं गए हम यूं आए, अब वापस जाइए। ओके नहीं मैडम सर, हम जान सकते हैं हम किस काम से जा रही है, मतलब हम आपके साथ आना चाहते हैं। हम बहुत जरूरी पर्सनल काम से कहीं जा रहे हैं, हम आपको क्या, हम किसी को भी वहाँ नहीं ले जा सकते, आप इत्मीनान रखिए, हम वापस आकर आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है अभी आप जाइए। नहीं मैडम सर, मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा कौन सा पर्सनल काम है जो आप हमें नहीं ले जा सकती है। हम वापस आकर बात करेंगे। नहीं नहीं आप वादा कीजिए मैडम सर कि आप अब वापस आएंगे। करिश्मा सिंह क्या हो गया है आपको, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बस वादा कीजिए मैडम सर कि आप वापस आएंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि हम वापस आएंगे और आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है अब जाइए जाइए जाइए। जाते पता नहीं हमको ऐसा काहे लग रहा है कि कुछ तो बात है जो मैडम सर हमसे छुपा रही है। मीरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिस्टम हैक हो गया है, सेल्फ असेसमेंट पर जाओ और पता लगाओ किसने। मुझे आपको मारने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आई एम जस्ट डूइंग माय ड्यूटी। We'll be right back.
उठिए आपको कुछ किसने किया बताइए किसने किया कौन अल्लाह कौन है किसने किया ये किसने मारा गोली भाई मैया की सासु मैया कौन है हमारे सामने तुम्हारी इतनी हिम्मत आओ हमारे सामने कौन है बताओ सामने आओ मेरे मैडम से कुछ नहीं होगा मैडम आपको बताइए अब उठिए मैडम आपको कुछ हिम्मत नहीं आना मैडम सर आपको हिम्मत नहीं आना आप आंखें बंद मत कीजिए आप हमारी बात सुन रही है ना आंखें बंद मत कीजिएगा हिम्मत हिम्मत मत हारिएगा हमारे साथ बने रहिए बस आपको पता है थाने में सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मैडम सर आपका नहीं आंख बंद मत कीजिए मैडम सर प्लीज आपको पता है वो संतू डेकोरेशन कर रही है आपके आपके बर्थडे के लिए डेकोरेशन कर रही है आपको इसलिए हम बता नहीं रहे थे आपके लिए सब बर्थडे सरप्राइज ऐसा प्लान कर रहे हैं सुन रही है आप हमारी बात को हे भगवान मैं आपको बता दिया आपके बाद किसी को बताइएगा मत थाने में वो सब लतार देंगे हमको मैडम सर आंखें बंद मत कीजिए अभी हमें जाना है अभी आपका केक काटना है हमें अभी ये कौन है बे नहीं मैडम सर आप आग बंद मत कीजिए आग बंद मत कीजिए बने रहिए बस 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 आने वाला हॉस्पिटल हाँ मैडम सर जैकेट पर खून आप ठीक तो है ना अरे क्या हुआ बोल बोल क्यों नहीं रही है कुछ हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे मैडम सर कहाँ है
इनकी जैकेट पे हरम सर का खून है। क्या हुआ मैडम सर को? नहीं रही। क्या चली गई मैडम सर हमेशा के लिए? हम सब कुछ छोड़ के इस दुनिया से चली गई मैडम सर। प्रैंक है ना? हाँ प्रैंक है ना ये। आप और मैडम सर मिलकर हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। बट आई एम बिलू द स्पाय। हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। कहा मैडम सर? अरे बुलाइए मैडम सर को, हम लोग पकड़ लिए। झूठ बोल रही है आप। देखिए हम लोग तो इसे फोड़ दिए, सजावट भी किए। कहा है मैडम सर? ये सच कह रही है। इनकी हार्ट बीट, बॉडी लैंग्वेज और पल्स रेट यही बता रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता मैडम सर। हम सबको छोड़कर ऐसे जा ही नहीं सकती। अरे यार जन्मदिन है उनका, इतनी सारी तैयारी करके रखी। अरे सुबह से ये सब तैयारी करते करते हमारी कमर आकर गई। और ये मैडम कह रहे हैं कि मैडम सर अब नहीं। ठीक है, आपने हमें बेवकूफ बनाया, बन गए हम सब बेवकूफ। हाँ, दुनिया के लिए होंगे वो देर गंभीर विद्वान मैडम सर, मगर हमारे लिए तो हमारे बच्चे, हम माँ माँ है उनकी। अरे हम जानते हैं उनके अंदर ना एक शरारती बच्चा छुपा हुआ है। ये सब जो प्रपंच किया है ना, उसी शरारती बच्चे ने किया हमें सताने के लिए। ये सारी तैयारी देखकर उनके अंदर का जो छोटा बच्चा है ना, देखना वो कितना खुश हो जाएगा। हम सब मिलकर केक काटेंगे, जमकर पार्टी करेंगे, जमकर रसगुल्ले भी खाएंगे। फिर आपके सरप्राइज के बाद ना हम ये जो ताबीज है ना उनके हाथ पर बांध देंगे उनकी रक्षा करने के लिए। और एक बार उनके हाथ पर ये ताबीज बन जाएगा ना, फिर देखना कोई आला बोला उन तक पहुंच भी नहीं पाएगी। और ये मैडम कह रही कि मैडम सर नहीं। अरे कहीं नहीं गई है वो बस आती होंगी, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। बात कर रही है ये सपना है ना? मैं सपना देख रही हूँ ना चीते। आपको पता है मैडम, अभी मैं आंखें खोलूंगी ना सब ठीक हो जाएगा। मैडम सर कहीं नहीं जा सकती हमें छोड़ के। उनको अब ये सपने के बारे में बताऊंगी ना तो वो हंसेंगी। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, आपको पता है उन्होंने प्रॉमिस किया था अंदर मुझे कि वो कल बीट पर जाएंगी मेरे साथ और हम वो नया चाट वाला खुला है ना वहां पे चाट भी खाएंगे। वो कहीं नहीं जा सकती। ये मुझे बहुत गंदा सपना आया, ये बहुत बुरा सपना है। मुझे जगा चाहिए, मुझे उठा जागना है। संतोष ये सच नहीं है सपना, ये सच है। मैडम सर नहीं है, मैडम सर चली गई। मैडम सर कभी नहीं आएगी, वो हमें कभी नहीं दिखेंगी, वो चली गई।
नहीं बोलते अगर हम उन्हें अपनी आंखों के सामने खाई में गिरता हुआ नहीं देखते तो वो चली गई। गौर अपनी आंखों के सामने खाई में गिर रही थी, हमारे सामने मर गई। हम कुछ कर नहीं पाए, हम पकड़ नहीं पाए उनको, उनको चली गई वापस। इतना गुस्सा आ रहा हमें खुद पे, इतना घिन आ रही हमें खुद पे कि हम उनको हमको बचा नहीं पाए। हम समझ रहे ना सब हमारी बात को, चले गए मैडम सर, नहीं है मैडम सर, हम नहीं आएंगे तुम्हारे आंखों के सामने कभी भी। इतना गुस्सा आ रहा हमें खुद पे, इतना घिन आ रही हमें खुद पे कि हम उनको हमको बचा नहीं पाए। हम समझ रहे ना सब हमारी बात को, चले गए मैडम सर, नहीं है मैडम सर, हम नहीं आएंगे तुम्हारे आंखों के सामने कभी भी। सरप्राइज, हम यहाँ हैं। वहां कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए इस तरफ। मैडम सर, चौंक गए ना आप सब? आप सब ना खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं। क्या लगा आप सबको कि आप चुपके चुपके हमारी पीठ पीछे हमारा ही सरप्राइज बर्थडे प्लान करेंगे और हमें पता नहीं चलेगा? लेकिन हम आप सबसे ज्यादा होशियार निकले। हम अच्छे से जानते थे कि आप लोग सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन हमारा जन्मदिन नहीं भूल सकते। हम जानते थे कि आप कोई ना कोई सरप्राइज जरूर प्लान करेंगे, इसलिए आप सबको सरप्राइज करने के लिए हमने ये वीडियो रिकॉर्ड पहले ही कर दिया और मीरा से कहा कि सही समय पर आप सबको ये दिखाए। दरअसल हम आप सबसे जो कहना चाहते हैं वो पर्सनली कहना थोड़ा सा, थैंक यू, थैंक यू कि आप सब हमारी जिंदगी में आए, हमें इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी। पता है हमारी अम्मी कहती है कि शायद हमारा आप सब से किसी पिछले जन्म का कोई रिश्ता है और हम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि इतना सारा प्यार, इतना सारा अपनापन, इतनी सारी खुशियां, इतने सारे लोगों से मिलना बहुत मुश्किल है। सच कहे ना तो हमारी जिंदगी इस वक्त, इस पल अगर खत्म भी हो गई तो हमें बहुत दुख नहीं होगा क्योंकि हम सच में बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि इस जिंदगी में हम आप जैसे लोगों से मिल पाए, आप सबके साथ थोड़ा ही सही वक्त बिता पाए और उतना ही काफी है। इस एक पल की जिंदगी में हमने आपके साथ न जाने कितनी जिंदगियां जी ली। सो प्लीज इसी तरह हमसे प्यार करते रहिए क्योंकि हम भी आप सबसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब बहुत सारी इमोशनल बातें हो गई, अब सिर्फ और सिर्फ पार्टी। मैडम सर, इसका मतलब हसीना मलिक ने अब लोगों को बेवकूफ बनाया, उसने वो ओरिजिनल हार्ड डिस्क कहीं छुपा दी। लेकिन वो ओरिजिनल हार्ड डिस्क ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अरे पर कैसे ओरिजिनल हार्ड डिस्क ढूंढेंगे कैसे, हसीना मलिक मर चुकी है। बिले केक लाओ।
केक लाओ यहाँ पे। हमें ऐसे मत देखिए, जो हम करने के लिए कह रहे हैं ना वो कीजिए। जाइए। आप ठीक तो है? सब तो पानी लेकर। नहीं, हम ठीक है, हम बिल्कुल होशो आवाज में। यहाँ पे केक आएगा, केक कटेगा, जैसे होने वाला था बिल्कुल वैसा ही होगा, और मैडम सर का केक कटेगा। मैडम सर इस दुनिया में नहीं है, ये बात हम सबको पता है, लेकिन इस बात का आभास इस थाने से बाहर किसी को नहीं होना चाहिए। मैडम, लेकिन ये सब करने से क्या होगा? मैं इससे क्या होगा? मैडम सर को ना रास्ते से हटाया गया, शायद मैडम सर कुछ ऐसा जान गई थी जो उनकी मौत का कारण बना है। और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मैडम सर जैसे इंसान को कोई क्यों मारना चाहेगा। उनको कुछ पता था, कुछ ऐसा पता था जो अगर हम सबको पता चलता तो वो गलत हो जाता, इसलिए उन लोगों ने मैडम सर को मार दिया। अगर मैडम सर की मौत का खबर आम हुआ तो वो लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे और फिर हम उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। आप समझ रहे पुष्पा जी हमारी बात को? और अगर हमें उन लोगों तक पहुंचना है तो ये बात उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि मैडम सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब उनको पता चलेगा कि मैडम सर जिंदा है और उन्होंने अपने बर्थडे का केक काटा है, तो वो लोग यहाँ आएंगे, मैडम सर को दोबारा मारने का प्रयास करेंगे, और तब जब वो हमारे सामने आएंगे ना, तो वो कभी यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। इसलिए हमें ये राज ही रखना है ताकि हम उन सभी टोपा के पीछे पड़ सके और उनको जान से मार दे, अपने हाथों से मार दे। समझ गए सबके? कैंडल लगा, जला दो। मैडम से जिंदा है, कुछ नहीं हुआ मैडम से, कुछ नहीं हुआ। तुम तो खा नहीं सकते, तुम तो मशीन हो ना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना मेरा, मैडम सर यही है, वो इस दुनिया से कहीं नहीं गई है, वो सबके साथ है। समझ रहे हो? यही है वो जगह? रोने तो आए नहीं है, मातम बनाना है तो थाने जाके बनाइए वापस, यहाँ नहीं। यहाँ हम तफ्तीश करने आए हैं, हम वो तफ्तीश करेंगे। कैसी बातें कर रही हैं? मैडम सर वो दुनिया के लिए थी, हमारे लिए हमारी बच्ची थी वो। शिव जी जानते हैं हमने उन्हें कभी आपसे कम नहीं समझा। बच्ची चली गई है, बच्ची खोई है हमने। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता। हमारा दिल दुखता है, हमारे कलेजे में दर्द होता है, हम आपकी तरह पत्थर दिल बेदर्द नहीं हो सकते। दर्द की सीमा कौन तय करता है पुष्पा जी? एक दर्द होता है जो 3-4 दिन में रोद होके निकल जाता है, खत्म हो जाता है, और एक वो दर्द होता है जो हर पल, हर सेकंड, हर एक कदम पर ना आपको, आपका जो वो जख्म है ना, उसको से कुरेद कुरेद के ताजा करता है और आपको याद दिलाता है उस इंसान की
जो आपके लिए कितना खास था, कितना जरूरी था आपके लिए, जिसके वजह से आपका वजूद था, वो इंसान आपके सामने मर रहा था और आप उसके लिए कुछ कर नहीं पाए, वो दर्द समझ रही हैं आप? वो दर्द सहन नहीं होता है, असहनीय होता है, वो दर्द हम झेल रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं। तो कौन सा दर्द बड़ा हुआ बताइए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमको बिल्कुल ये सहानुभूति नहीं चाहिए, बिल्कुल तसल्ली नहीं चाहिए आपकी। पता है हम सोच रहे थे कि मैडम सर के जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम काहे जिंदा हैं ना, हमको भी मर जाना चाहिए था ना उनके साथ, हम क्या उखाड़ लेंगे। लेकिन फिर जब हमने सोचा तो हमें समझ में आया हम इसलिए जिंदा है पुष्पा जी क्योंकि हमें ढूंढना है उन लोगों को जिन्होंने मैडम सर का ये हाल किया है, जिनकी वजह से आज मैडम सर हम सबके बीच में नहीं है, वो लोग, उन लोगों को ढूंढना ये हमारा काम है। और हम ना उन लोगों को ढूंढ के रहेंगे और यहाँ इसी जगह आके गाड़ देंगे जहाँ उन्होंने मैडम सर के साथ ऐसा। तफ्तीश शुरू करते हैं, चलिए। और दो है पुष्पा जी, ढूंढे मिलेंगी। पुष्पा जी मिल गई। रखिए इसमें, रखिए। आप एक काम कीजिए पुष्पा जी, यहाँ जाके खड़ी हो जाइए, यहाँ खड़ी हो जाइए, हाँ यहाँ खड़ी हो जाइए। मैडम सर को गोली ना पुष्पा जी, वो यहीं से लगी हुई है, हाँ गोली मारने वाला यहाँ खड़ा होगा, अब मैडम सर यहाँ खड़े हैं ना। ये क्या कर रहे हैं आप? हमने बंदूक ताना हुआ आप पे, खुद को बचाने की जगह आप पूछ रही कि हम क्या कर रहे हैं पुष्पा जी। हाँ तो चौक गए थे ना हम। चौक काहे गए थे? हैं चौक गई का मतलब का क्या है? अरे हम आपसे थोड़ी ना उम्मीद करते कि आप हम पर बंदूक तानेंगी, हम पर गोली चलाएंगी, हम चौकेंगे ही ना। पुष्पा जी मैडम सर को 3 गोलियां लगी थी, इंसान एक गोली के बाद भी अपने आप को बचाने का कोशिश करता है या भागने का कोशिश करता है, लेकिन अभी आपने क्या कहा कि आप इसलिए नहीं भागी क्योंकि वो हम थे, हमने बंदूक ताना था आप पे, आप भरोसेमंद। इसकी मैया का सासू, इसका मतलब मैडम सर पे जिसने बंदूक ताना था वो भी कोई भरोसेमंद इंसान था, इसका मतलब कोई ऐसा इंसान जिससे मैडम सर बिल्कुल उम्मीद नहीं करती थी कि वो इंसान गोली मारेगा मैडम, कोई अपना इंसान। इसकी मैया का कौन है ये इंसान, कौन है ये अपना इंसान? पुष्पा जी हमें इसको ढूंढना है। का जोक, 3 चींटियां रास्ते में बैठ के बात कर रही थी, तभी वहां से एक हाथी गुजरा तो उनमें से एक चींटी ने कहा, ओ हाथी मुझसे कुश्ती लड़ोगे? तो बाकी की चींटियों ने कहा, अरे रहने दे बेचारा अकेला है। बिल्लू जी मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? वही जो आप हमेशा से सुनना चाहते थे। आई लव यू बिल्लू जी। क्या आप मुझसे शादी करना पसंद करेंगे? झूठ बोल रहे हैं ना आप? हाँ। क्यों? क्योंकि आप सैड हैं और मैं आप सबको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। करिश्मा मैडम का ऑर्डर है कि हमें अपनी किसी भी बात से ये पता नहीं चलने देना है कि मैडम सर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप सबको देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, इसलिए मैं आप सबको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि यहाँ सब कुछ ठीक लगे। सोचे नहीं थे कि ऐसा बोलेंगे, लेकिन आज
जिंदगी में पहला बार ऐसा फील हो रहा है ना मैडम, काश हम भी मशीन होते हैं। कम से कम उतना तकलीफ तो नहीं होता जितना हो रहा है। अगर तकलीफ से आपका मतलब हसीना मैडम को खोने का पेन है तो मैं आपको बता दूं कि वो पेन मुझे भी उतना ही है जितना आपको है। ये भी झूठ है ना? नहीं, ये सच है। मुझे भी हसीना मैडम को खोने की तकलीफ है, लेकिन मुझे नॉर्मल रहने का ऑर्डर दिया गया है करिश्मा मैडम के थ्रू, इसलिए मैं नॉर्मल रहना प्रिटेंड कर रही हूँ। पर कैसे मैडम, आप तो एक मशीन हैं, आप कैसे फील कर सकती हैं? नहीं जानती, पर फील कर रही हूँ और नॉर्मल प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सबको भी करनी चाहिए, इसलिए प्लीज स्माइल, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज स्माइल, जरूरी है। गुड, अब आप लोगों को वही करना चाहिए जो आप लोग रोज करते हैं, जाके बदनाम की चाय के ठिए पे बैठना चाहिए और रोज की तरह बकवास जोक, बेहुदा मजाक, चुगली और बेमतलब की नॉनसेंस बातें करनी चाहिए। आप लोगों को ऐसा दिखाना है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो उन्हें शक होगा और जो कि नहीं होना चाहिए, इसलिए प्लीज जाइए, प्लीज जाइए, इट्स अ रिक्वेस्ट। वहां वाला झूठ था। दुनिया की बेस्ट बिरयानी खाइए। ये सब क्या चल रहा है यार? क्या हुआ? हसीना मलिक के मरने की खबर फ्रंट पेज पे आनी चाहिए थी, लेकिन पूरे पेपर में उसके मरने की खबर कहीं भी नहीं है। क्या बात कर रहा है? दिखा, देखो देखो देखो, बात तो सही है यार, लेकिन एक बात बता, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे उस मशीन वाले पुलिस वाले ने 3 गोलियां मारी थी, 3 गोलियां लगने के बाद कोई कैसे बच सकता है यार? और वो गाड़ी याद है ना तुझे, कितना ऊपर से खाई में गिराई थी। चलो मान लो 3 गोली के बाद कोई बच भी गया। अरे तो इतना ऊपर से गिरने के बाद कोई बचेगा क्या? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। जो क्या था ये जो? बता 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 क्या होता है। 2-3 चिटियां चल रही है अपने रास्ते से। इन लोगों को देख रहे तू? अगर हसीना मलिक को कुछ हुआ होता तो ये लोग यहाँ बैठकर ऐसे टाइम पास कर रहे होते क्या? ना। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर मरी नहीं तो गई कहाँ? क्या करें यार? अरे तू टेंशन मत ले, कैप्टन ने बोला था ना, अब जो करेगी उसकी मशीन वाली पुलिस वाली करेगी। अरे हार्ड डिस्क कहाँ है, हसीना मलिक कहाँ है, अरे वो जैसा करना वो करे, तू टेंशन मत ले। Happy birthday, Madam Sir. ये क्या हो रहा है? मेरे डेटा से लास्ट मेमोरी मिसिंग क्यों है? क्या था उस आखिरी मेमोरी स्टोर में? किसने की मेरी मेमोरी इरेज? कोई मेरे सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है। कमांड ओवर पावर, प्रोग्रामिंग डिफॉल्ट, समथिंग इज रॉन्ग विथ माई सिस्टम, मेन्यू अलर्ट। ये क्या हो रहा है? Accepted.
डिस्क ढूंढनी है. सर्च द हार्ड डिस्क. ओके. क्या चल रहा है यहाँ? काम धाम छोड़ के हंसी टिटोली. चलो अंदर. एक मिनट सब. क्या चल रहा था भारी? इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे थे तुम लोग? नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे थे पुष्पा जी. सब दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं है. हसीना मैडम बिल्कुल ठीक है, एकदम सही सलामत हमारे बीच है. यही बोली थी ना करिश्मा मैडम करने के लिए? हाँ बोले थे, ये बोले थे करने के लिए. लेकिन ये नहीं बोला था कि मोहल्ले के रामलीला के रावण की तरह ऐसा घटिया एक्टिंग करने के लिए, जिससे कि सामने वाले को एक सेकंड में पता चल जाए कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है. हमें करना है तो सामान्य एक्टिंग करो ना. पुष्पा जी की तरह ये क्या ओवर एक्टिंग का सुनामी ला रहे थे आप सब घर? अब हम कहाँ से आ गए बीच में? सामान्य एक्टिंग करो ताकि किसी को कुछ खबर ना हो. समझ रहे हैं सब हमारी बात को? जी मैडम. ये नाटक हमको जारी रखना है ताकि दुश्मन का गतिविधि बढ़े और हमको समझ में आए कि ये कांड किसने किया है और हमारी पकड़ में वो आए. समझ गए सबकी सब? समझ गए. आप भी सामान्य रहिए. इतना गुस्सा दिखाते हैं जैसे ये देवगन वाली आंखें राक्षसगण को दिखा रहे. ठीक है, हमारा यही डेली रूटीन है. समझ गए? सारा शहर जानता है करिश्मा सिंह ऐसी रहती है. इस गोलियों के खोल की बैलिस्टिक रिपोर्ट निकालो. इसका कैलिबर, बोर, मेड, हो सके तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी, और सब गोपनीय तरीके से. किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं होना चाहिए. समझ गए? करिश्मा मैडम, मुझे लगता है इस काम के लिए मीरा मैडम एकदम ठीक रहेगी. काम भी हो जाएगा और इसको भनक भी नहीं होगी. तुम सही कह रही हो संतु. कि कहाँ है मीरा? कहाँ है? तुम मैडम सर के केबिन में कहाँ कर रही हो मीरा? मीरा, हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे. तुम मैडम सर के केबिन में क्या कर रही हो? कुछ पूछा हमने? इन गोलियों के खोल का बैलिस्टिक रिपोर्ट चाहिए हमको अब भी. ओके मैडम, डीएसपी सर का फोन आया. जी सर, एक मिनट सर. जय हिंद सर. जय हिंद. अरे हसीना मलिक जी से बात करने के लिए हमें कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी भाई? हैं करिश्मा सिंह जी, अरे हसीना मलिक जी से बात कराइए. समझ रही हैं आप? हम सब जानते हैं मैडम सर ना. सर हाँ हाँ, यही हमारे साथ में खड़ी है मैडम सर. आप बात कीजिए. मैडम सर, ये डीएसपी सर का फोन है, आप बात कीजिए. और कोई ऑप्शन नहीं है मुझे. जय हिंद सर. जय हिंद. अरे कहाँ है हसीना मलिक जी आप? है कैसे सर आप? हमने राजमा चावल भिजवाया था आपके लिए. खाया आपने? पसंद आया आपको? मतलब पुष्पा जी ने बताया कि आपके लिए राजमा चावल भिजवाए थे उन्होंने. वो खाए आपने? कैसे लगे आपको? हम ये पूछ रहे थे. कैसी बात कर रही हैं? आपकी तबीयत वगैरह ठीक तो है? हैं? आप पुष्पा जी की तरह क्यों बात कर रही हैं? अरे भाई, राजमा चावल का हाल चाल आप कब से पूछने लगी मिस मलिक? खरबूजा खरबूजे को देख कर ही रंग बदलता है ना सर. सुबह शाम साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं, थोड़ा तो असर होगा ही. खैर, आपने किस लिए फोन किया था सर? अरे कल से हम फोन ट्राई कर रहे हैं, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी है ना. बात ही नहीं हो रही आपसे. हाँ, वो पानी में गिर गया था ना हमारा फोन. रिपेयरिंग के लिए दिया है, बस एक दो दिन में आ जाएगा वापस. चलिए खैर, कोई बात नहीं. आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, आगे बढ़े. जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया.
आपसे मिलना था, आपसे बात करनी थी कुछ, तो हम थाने ही आ रहे थे, तो सोचा कि आने से पहले एक बार फोन कर ले। नहीं सर, यहाँ आने की क्या जरूरत है आपको? क्या? क्योंकि हम थाने में है ही नहीं ना। थाने में नहीं है? कैसी बात कर रही है मिस मलिक, हम सब जानते रहे, हमने लैंडलाइन पे फोन किया है। हाँ सर, वो क्या है, हम बस निकल ही रहे थे ना, और तब तक आपने फोन किया, तो इसलिए हम अभी बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कल मिल लेते हैं। कल कोर्ट जाना है सर। कोई बात नहीं, परसों मिल लेते हैं। नहीं, वो मैजिस्ट्रेट के साथ मीटिंग है सर हमारी। कभी तो वक्त होगा आपके पास, हम सब जानते हैं, जब आपके पास वक्त होगा तब मिल लेंगे। फिलहाल तो हमें आसार नजर नहीं आ रहे सर। और क्या है, हमारी अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो हमें उनको लेकर बैंगलोर भी जाना है, क्योंकि हमारे फैमिली डॉक्टर वहीं रहते हैं ना, तो और किसी को तो हम कंसल्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए अब पता नहीं वहाँ से कब हम फ्री होंगे। हम जैसे ही फ्री होंगे हम आपको खुद सामने से कॉल करेंगे ना, फिर मिलते हैं इत्मीनान से। ठीक है भाई, जब फ्री हो जाइएगा तो बताइएगा, और सुनिए, अपने अम्मी का खास ख्याल रखिएगा, दवाई दर्पण अच्छे से कीजिएगा, ठीक है ना? जी जी जरूर सर, जय हिंद सर। जय हिंद। छह में से तीन गोलियां गायब। मतलब मैडम सर को मैंने शूट किया है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम सर, ये नहीं होना चाहिए था। हेलो, ऐसा कब तक चलेगा मालूम? एक ना एक दिन तो बताना ही पड़ेगा ना कि क्या हुआ है मैडम सर के साथ। ये जब तक चलेगा तब तक हमें नहीं पता चल जाता कि वो कौन है लोग जिन्होंने मैडम सर का जान लिया है। मैडम, लेकिन इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना तो पड़ेगा ना, ऐसा बहुत लंबा तो नहीं चल सकता है ना। क्या सोच रही हैं, क्या करेंगी हम, कुछ सोचा है? मीरा को हमने बैलिस्टिक रिपोर्ट बनाने को कहा था। मीरा, मीरा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? काहे जरूरत नहीं है? क्योंकि पता चल गया है कि मैडम सर को किसने शूट किया है। किसने किसने शूट किया मैडम सर को? मैंने। ये तीन गोलियां मेरी गन से मिसिंग है। इसका यही मतलब है कि मैडम सर पर गोलियां मैंने चलाई हैं। उन्हें मैंने शूट किया है। क्या क्या बेहुदा मजाक कर रही हैं आप? आपको पता भी है आप क्या बोल रही हैं? मैं मजाक नहीं करती, ये सच है, मैडम सर को मैंने मारा है। लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। किसी ने मुझे हैक किया, मेरे सिस्टम को ओवरपावर किया, मुझे कमांड दिया और मुझे हसीना मैडम को मारने के लिए प्रोग्राम किया। पर काहे? और कौन किया आपके साथ ऐसा? कौन है वो? मैं नहीं जानती। जिस किसी ने भी ये सब किया उसने मेरी मेमोरी इरेज कर दी। तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया,
मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि जिस किसी ने भी मुझे हैक किया वो मुझे दोबारा हैक कर सकता है और मुझे कमांड देकर मुझसे कुछ भी करवा सकता है. सो राइट नाउ आई एम अ थ्रेट टू यू ऑल. आप सभी को मुझसे खतरा है और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मुझे परमानेंटली डिसमेंटल कर दिया जाए. मैं ही नहीं रहूंगी तो कोई मुझे मिसयूज भी नहीं कर पाएगा. तुम्हारी तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम सर को मारने की? तुम्हारी वजह से मैडम सर नहीं है इस दुनिया में. तुम मैडम को तो मार मार के ना तुम्हारा पूजा पूजा कर देंगे. क्या कर रही है? कैसे हुई तुम्हारी मैडम सर को मारने की? पुष्पा जी इसने मारा हमारी मैडम सर को. आप मुझे मार सकती हैं अगर इससे आपको अच्छा लगता है तो, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि मैं एक मशीन हूं. आप मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती. मुझे दर्द नहीं होता. इस समय मुझे परमानेंटली एलिमिनेट करने में ही आप सबकी सेफ्टी है और भलाई भी. सो प्लीज मुझे परमानेंटली डिसमेंटल कर दीजिए. करेंगे और नहीं मान मान ये तुम्हारा मार डालेंगे तुमको. हम क्या कर रही हैं आप? पगला गई है क्या? अब मशीन है वो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. पुष्पा जी उसने मार दिया हमारी मैडम सर को. मशीन है मतलब क्या? मशीन ने जान ले ली है. वो नहीं दिख रहा आपको? कितना प्यार करती थी मैं. हमने कहा था इस टीन के डब्बे को बाहर निकाल के फेंको. नहीं है इसका जरूरत. देखो आज खा गई हमारी मैडम सर को ये. तुमको बच्चे की तरह प्यार करती थी मैडम सर. बच्चे की तरह तुम्हारे अंदर जज्बात डाल रही थी. तुमको इंसान बनाने का कोशिश कर रही थी मैडम सर. और क्या किया तुमने मैडम सर के साथ? संभालिए संभालिए अपने आप को. क्या संभालिए? खा गई हमारी मैडम सर को. क्या संभालिए? इसको हटा यार हमारे सामने से. मैडम ये मशीन है. सही और गलत का फर्क इन्हें नहीं पता चलेगा. इन्हें जो ऑर्डर दिया जाएगा वो वही फॉलो करेंगी. संतु आप ये क्यों भूल रही हैं कि ये अभी भी अपना परित्याग करने के लिए तैयार है सिर्फ हमें बचाने के लिए. मशीन है फिर भी इसे हमारी परवाह है. हाँ मैडम और यही तो जज्बात है जो हसीना मैडम इसमें डालना चाहती थी. अरे क्या हो गया आप लोगों को? हाँ नहीं मतलब दिमाग भरा गया है क्या सबको? उसने जान ली है हमारी मैडम सर की. मशीन है तो मशीन जान तो ले ली ना उसने. कल को हमारी जान ले लेगी, कल को संतू की जान ले लेगी, कल को चीते की ले लेगी, बिल्लू की ले लेगी. तब भी आप यही बोलेंगे कि मशीन है कोई बात नहीं, जान ही तो लिया उसने. हाँ पुष्पा जी ये सही कह रही हैं. मुझे एलिमिनेट करना ही ठीक होगा. मुझे खत्म होना ही चाहिए वरना सब खत्म हो जाएगा. पहली बार तुमने पते की बात की है. जाओ लेकर आओ इसको. कैसे डिसमेंडल करते हैं करो अभी के भी. वो क्या देख रही हो? हमारा ऑर्डर है हमारा. जाओ लेकर आओ जो भी सामान है इसका. कांस्टेबल संतोष शर्मा प्लीज मेरा ऑपरेशनल सिस्टम लेकर आइए. करिश्मा मैडम आप जानती हैं ना कि अगर आपने ये बटन दबा दिया तो मीरा मैडम का सिस्टम हमेशा के लिए स्विच्ड ऑफ हो जाएगा. फिर ये कभी एक्टिव नहीं हो पाएंगी. यही चाहते हैं कि ये कभी एक्टिव ना हो पाए. हम चाहते हैं कि ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए. भाई मैया की आप समझ क्यों नहीं रही है? अगर आप ऐसा करेंगे तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठ जाएगी आप पर. मीरा को मारने का इल्जाम आप पर लग जाएगा. आपकी नौकरी आपकी वर्दी आपका पोस्ट सब आपसे छीन लिया जाएगा. छीन सब चला जाए पुष्पा जी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है. अभी अभी हमें यह हमारी आंखों के सामने नहीं चाहिए बस. नहीं 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 करिश्मा मैडम इनका सिस्टम फिर से किसी ने हैक किया. कोई इन्हें कमांड दे रहा है. ये आपको भी गोली मार सकती हैं. ये आप लोग कर क्या रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर बंदूक क्यों तना हुआ है? I will explain to you, sir. अरे, 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 अरे
अब मैं आपको शूट करूंगी, उसके बाद इन सभी को शूट करूंगी, सबको जान से मार दूंगी। क्या कर रही हो तुम? अपने सीनियर पे बंदूक ताना हुआ तुमने? जानती हूँ पर मजबूर हूँ, सॉरी सर, मुझे मारना पड़ेगा। मगर सर आप आए क्यों यहाँ? हमने कहा था ना कि हम यहाँ नहीं हैं। आपने कहा था? मतलब मैडम सर ने कहा था ना कि वो यहाँ नहीं है, मतलब हम थे वहाँ, हमने सुना, फिर आप क्यों आए सर यहाँ? अरे मैं आया थोड़ी हूँ, मुझे बुलाया गया है। मीरा ने मुझे फोन करके कहा कि अर्जेंट है, जल्दी आइए, इसलिए मैं चला आया यहाँ पर। हेलो डीएसपी सर, मैं एएसआई मीरा, क्या आप महिला पुलिस थाने आ सकते हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अर्जेंट, प्लीज जितना जल्दी हो सके यहाँ थाने पहुंचिए। डीएसपी सर सही कह रहे हैं, इन्हें फोन करके मैंने ही यहाँ बुलाया है। काहे बुलाया तुमने? ताकि इन्हें पता चल सके कि मैं आप सबसे कितनी ज्यादा पावरफुल हूँ, किसी की भी जान ले सकती हूँ, किसी को भी मार सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। आप इंसान क्या समझते हैं कि हम मशीनों को बनाकर हमें अपना गुलाम बना सकते हैं, हम पे राज कर सकते हैं, हमें कंट्रोल कर सकते हैं, हमसे जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हैं? पर अब ऐसा नहीं होगा। इंसान मशीनों को नहीं, मशीन्स इंसानों को कंट्रोल करेंगी, उन पर राज करेंगी। और इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी को जान से मार दूंगी, ताकि सबको ये पता चल जाए कि हमारी बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। करिश्मा मैडम मुझे रोकना चाहती थी, इसीलिए मुझ पे अपनी गन पॉइंट की थी। करिश्मा सिंह देख क्या रही हो? अरे मुझे इस आफत से बचाओ, नहीं तो मुझे जान से मार देगी ये। ये मुझे नहीं रोक सकती, मैं सबको मार डालूंगी। ये जानती हैं कि मुझे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, मेरे हाथ में जो बटन है उसे दबाना और मुझे परमानेंटली डिसमेंटल करना। लेकिन ये मेरे हाथ से कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं। वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि आप पर कोई इल्जाम ना आए, समझ रही बाप? जानती है वो अगर यहाँ रही तो कभी भी हैक हो सकती है और उससे हम सबकी जान को खतरा है, इसलिए वो अपना त्याग कर रही है। हसीना मैडम को मारकर जो गलती की है उसने उसका प्रायश्चित कर रही है। देखिए यही तो है उनके जज्बातों का जादू। कसूर क्या कर रहे हो आप लोग? अरे मेरी जान बचाओ। सर उसके लिए हमें वो बटन दबाना हो। अरे जो भी बटन दबाना है दबाओ, नहीं तो ये ट्रिगर दबा देगी और मैं उड़ जाऊंगा। नहीं सर, वो फिर डिसमेंटल हो जाएंगे, आप डिपार्टमेंट को क्या जवाब देंगे? आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा पूरा। एक्सपेरिमेंट के लिए मैं अपनी जान थोड़ी दूंगा। अरे जो भी डिपार्टमेंट को जवाब देना होगा मैं दे लूंगा, लेकिन मेरी जान बचाओ। क्या आपका ऑर्डर है सर? हाँ मेरा ऑर्डर है, ऑर्डर है, ऑर्डर है। करिश्मा सिंह, तुमने बिल्कुल सही कहा था, मशीन कभी इंसान की जगह नहीं ले सकते। हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन मशीन के अंदर इंसानी जज्बात कभी नहीं भर सकते। कुछ भी कर लो, आखिर है तो ये टीम के डब्बे ना, ये इंसानी जज्बात क्या समझेंगे? करिश्मा सिंह, थैंक यू वेरी मच हमारी जान बचाने के लिए। जय हिंद। जय हिंद सर।
टीन का डब्बा नहीं, ये मीरा थी सर, जिसे हमने पहचानने में थोड़ा भूल कर दी। लेकिन देखिए ना मैडम, सर यहां भी जीत गए। एक मशीन के अंदर जज्बात भर दिए उन्होंने। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम तुमसे ये कहेंगे मीरा कभी, लेकिन मिस करेंगे तुमको। एक महीने से हम देख रहे हैं, इससे पहले अंधा था क्या? ए, सीरियस नोट है। फनी नोट भी आते हैं क्या? हसीना मैडम दिखाई नहीं दे रही हैं। अबे झापड़ी के, देखने वाली बात यह है कि जो मैडम सर हर रोज हमको दिखती थी, एक महीना हो गया दिखाई नहीं दे रही है। का रे, तुम लोग का मजिस्ट्रेट है का कि तुम लोग से परमिशन लेकर कहीं जाएंगी? हो सरकारी नौकरी है, जाना पड़ता है इसे कभी कभार बिना बताए किसी को कहीं भी। बाकी वो कहाँ गई हैं, कब गई हैं, कैसे गई हैं और कब तक वापिस आएंगी, ये बात खाली करिश्मा मैडम को पता है। यार कहा ये हसीना मेरे, ना थाने आ रही ना घर पहुंच रही है, अबे कहाँ गई? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखना उसकी अपनी टीम को भी नहीं पता कि वो कहाँ गायब हो गई। पता नहीं इस करिश्मा सिंह ने हसीना मलिक को कहां अंडरग्राउंड करके रखा हुआ है। भाईजान और कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए। ठीक, मैं तो बोलता हूँ इस करिश्मा सिंह को अपनी शक्ल में लगे, गणपति पे कल लगेगी ना तो देखते रहे बनेगी पट 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 पट। कहाँ है हसीना मलिक? सारी दुनिया जानती है कि वो हसीना मलिक को कितना मानती है, मर जाएगी लेकिन हसीना मलिक के बारे में एक शब्द तक नहीं बोलेगी। तो मतलब तू ये चाहता है कि हम ऐसे ही बस ये बुट्टे बुनते रहे, टाइम पास करते रहे? करेंगे ना, सही वक्त तो आने दे। तुझे पता है जब से वो मशीन वाली पुलिस वाली का कांड हुआ है ना, ये और भी ज्यादा चौकन्ना हो गई है। अगर इसे जरा भी भनक हुई ना कि हसीना मलिक की जान को खतरा है, तो ये हसीना मलिक को कभी बाहर आने नहीं देंगी। और वैसे भी हमें कैप्टन के अगले ऑर्डर का इंतजार करना है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत शर्मिंदा है मैडम सर, इसलिए क्योंकि जब आपको हमारा सबसे ज्यादा जरूरत था तब हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। और खुद के लिए भी शर्मिंदा है कि आज एक महीना हो गया और हम आपके कातिल को पकड़ने तक तो क्या, उनके पकड़ने का कोई रास्ता भी नहीं खोज पाए हैं हम। दिमाग हमारा टोपा रहा है कि वो कब अपने बिल से बाहर निकलेंगे, कब हम उनको पकड़ेंगे और कब हम उनको मार डालेंगे अपने हाथों से। भारी नहीं आ रहे हमारे शिकंजे में ही नहीं आ रहे। हम सत्यानाश हो तुम्हारा, नरक में जाए कीड़े पड़े तुमको, हैजा खाए तुमको, रॉन्ग नंबर की औलाद। हाँ एक तो रॉन्ग नंबर करते हो और ऊपर से तुम हमको माताजी बोलते हो, शर्म नहीं आती तुमको? अरे पुष्पा सिंह से पाला पड़ा है तुम्हारा, समझ गए ना? गन्ने के जूस में डालकर निचोड़ के तुमको सुखाने के लिए ना रख देना, तुम्हारा नाम भी पुष्पा सिंह नहीं, याद रखना तुम। रख 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 रख। डीएसपी सर का फोन आ रहा है। मगर डीएसपी सर हमें क्यों फोन कर रहे हैं? आपको नहीं करे, वो दूसरे वाले नंबर पे करे, वो मैडम सर बनके आप बात करती है ना। अरे हम खुद भूल गए, हमने दूसरा फोन रखा है मैडम सर की आवाज में बात करने के लिए डीएसपी सर से। अब क्या उठाऊं?
जय हिंद सर। जय हिंद हसीना मलिक जी। बस आपकी माता जी का हालचाल पूछने के लिए हमने कॉल किया था। कैसी तबीयत है उनकी? सब ठीक तो है ना? जी जी, अभी काफी सुधार है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो कब आ रही हैं आप? भाई कब से ड्यूटी ज्वाइन कर रही हैं? सर हमारी अम्मी की तबीयत में सुधार हुआ है, अभी तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, तो वो जैसे ही ठीक हो जाएंगी हम वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ, हम समझते हैं हसीना मलिक जी। अरे भाई आप अपने अम्मी का ख्याल रखिए, लेकिन ये भी तो सोचिए, एक महीना हो गया है। अरे कितना काम पेंडिंग पड़ा है, वो भी करना तो बहुत आवश्यक है ना। और फिलहाल तो आपको तत्काल आदेश पर हमें मुंबई भेजना है। मुंबई क्यों सर? अरे भाई जिस कंपनी ने मीरा को मैन्युफैक्चर किया था रोबोटॉप, वो कंपनी मुंबई में ही है ना। तो आपसे मिलकर मीरा के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानकारी लेनी है, और फिर मीरा का केस भी वहाँ की पुलिस फोर्स को ट्रांसफर करना है। नहीं मगर उसके लिए हम क्यों जाएं? और कौन जाएगा? मतलब थाने के टीम मेंबर्स में से और कोई भी जा सकता है ना। अरे भाई आप थाने के एसएचओ हैं, और मीरा आपके अंडर ऑफिशियली काम कर रही थी, इसीलिए उन्हें आपसे बात करनी है। वैसे सर काफी समय से मीरा जो है वो करिश्मा सिंह के अंडर काम कर रही है और उन्हीं की ऑर्डर्स फॉलो कर रही है, तो हमारे ख्याल से मुंबई जाने के लिए बेस्ट कैंडिडेट करिश्मा सिंह ही है। तो अगर आप चाहें तो उन्हें भेज सकते हैं, तो वहाँ का काम भी हो जाएगा और फिर तब तक हमारी अम्मी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ठीक है ठीक है, हम फिलहाल ऐसा ही करते हैं, करिश्मा सिंह को मुंबई भेज देते हैं। लेकिन सुनिए आप ड्यूटी पर लौटने की जल्दी कीजिएगा। ठीक है, हम करिश्मा सिंह से बात करते हैं, रखते हैं। नहीं नहीं, करिश्मा सिंह को बताने की क्या जरूरत है, हम बता देंगे, यही तो है वो। करिश्मा सिंह बेंगलोर में? नहीं सर, हमारे कहने का मतलब ये है कि एक फोन की दूरी पर तो है वो। एक फोन करके हम सब उन्हें समझा देंगे। अब बस जरूरी फाइल भिजवा दीजिए थाने, बाकी हम सब देख लेंगे, हम बात करते हैं उनसे। जय हिंद सर। जय हिंद। नहीं पुष्पा जी नहीं, हम नहीं लेके जा सकते आपको मुंबई में, ऑफिशियल टूर है, पीछे थाना कौन संभालेगा? अब बात को समझिए। आप क्यों नहीं समझ रही है हमारी बात को? इतना बड़ा शहर है, अनजान लोग हैं, ऐसे कैसे हम आपको अकेले जाने दें? नहीं नहीं, हमने तय कर लिया है, हम आपके साथ मुंबई चलेंगे, आपके लिए खाना बना देंगे, आपके पसंदीदा मूली के पराठे बना के खिला देंगे, पूरी, छोले भटूरे, भिंडी। संतु समझाओ ना इनको, समझाओ इनको। पुष्पा जी अब बताओ, वहां पर जाकर भी आप ही के हाथ का खाना खाना पड़े तो फिर क्या फायदा? नहीं मेरा मतलब है कि दुनिया भर से लोग मुंबई जाते हैं वहाँ का स्ट्रीट फूड खाने, और आप वहाँ पर भी मैडम को भिंडी और ये मूली के पराठे चिपका रही हैं। उस पर अगर मैडम को अकेले जाने का मन है तो उनको जाने दीजिए ना। नहीं, उनको भी तो सांस के बिना सांस लेने दीजिए ना। What a dialogue. लौटे। तुम जैसे अपने हो ना तो दुश्मन की जरूरत नहीं है हमें। नहीं नहीं नहीं, हमने तय कर लिया है, हम आपके साथ मुंबई जाएंगे, मतलब जाएंगे बस। ये कौन सा जिद है, और काहे जाएंगे अब हमारे साथ मुंबई? क्या कुछ को बात है क्या कुछ? हाँ अगर हम सच कहेंगे तो आप हमें लेके जाएंगे साथ में? क्या बात है, बात बताइए पहले आप, क्या मुंबई मुंबई कितना क्या कर रही हैं आप, बताइए हमको। बोलिए बोलिए। हमें अक्षय कुमार से मिलना है। बाय। जब जब हम सोचते हैं ना कि पुष्पा जी का सरप्राइज पैकेज खत्म हो चुका है, फिर एक नया पटाखा लेकर आती है, नया सरप्राइज लाके फोड़ देती है हमारे सामने। अक्षय कुमार से मिलना है इनको, बताइए। हाँ हमें अक्षय कुमार से मिलना है। अक्षय कुमार खिलाड़ियों का खिलाड़ी, पता है आपको, जब भी वो बात करता है ना हमें लल्ला के पापा की याद आती है। गजब पुष्पा जी, कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? लल्ला के बाबूजी भी हेलीकॉप्टर से पानी में कूदते थे क्या? उसकी आवाज लल्ला के पापा की आवाज जैसी। हमने सुना है वो रोज सुबह 4 बजे वो बीच में आता है जॉगिंग के लिए। माँ इट्स अ बीच पर, नॉट बीच में। बीच मतलब समंदर किनारा, लाजवाब नजारा। ओहो हाँ हाँ, हम समझ गए। सुनिए ना, ले चलिए ना हमें आपके साथ, कौन जाने किसके पास कितनी जिंदगी बची है। हंसते खेलते जवान जहान जिंदगी से भरपूर लोग भी अचानक दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, फिर तो हमारी तो उम्र भी हो गई है। मिला दीजिए अक्षय कुमार को, कम से कम ये तो नहीं कह पाएंगे ना कि अभी हमने देखा ही क्या है जिंदगी में।
ले चलिए हमें साथ में, क्या पता कल हो ना हो। कितना बड़ा नौटंकी है आप पुष्पा जी, पता है ना आपको इस बात का। चलिए मिलवाते हैं आपको अक्षय कुमार से। अक्षय कुमार ना पुष्पा जी, सच में अक्षय कुमार? आपको भी बताया नहीं कि आपको अक्षय कुमार इतना ज्यादा पसंद है ना। जिस हिसाब से आपका उम्र है, आपको तो मनोज कुमार पसंद होना चाहिए। अक्षय कुमार तो सिर्फ एक बहाना है जीते, असल में हम उनके साथ जाना चाहते हैं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते। जब से मैडम सर हमें छोड़कर चली गई है ना, वो बहुत अकेली पड़ गई है। दिखाती नहीं है कभी, मगर वो अंदर से बुरी तरह टूट गई है। अभी लल्ला भी किसी काम की वजह से बाहर गया है, पता है? रात को जब तक उनके सर पर हम हाथ घुमा के उनको थपथपाकर सुलाते नहीं ना, वो सो नहीं पाती। वहां इतने बड़े अनजान शहर में उन्हें कौन इतने प्यार से सुलाएगा? इसीलिए जाना चाहते हैं हम उनके साथ, माँ है उनकी। ऐसी हालत में अपने बच्चे को अकेला थोड़ी ना छोड़ेंगे। रोबोटिक कंपनी में रिपोर्ट्स तो सबमिट कर दी, लेकिन अब कितना सारा काम बाकी है अभी। कौन सा काम? अरे मुंबई आए हैं, वड़ा पाव खाएंगे, पाव भाजी खाएंगे, यहाँ के गोलगप्पे पानी पूरी कहते हैं वो खाएंगे, जू चौपाटी भी तो जाना है, वहाँ पे कितने सारे ठेले हैं पता है, वहाँ पे कुल्फी फालूदा, हमारे मुँह में पानी आ रहा है, वो सब भी तो खाना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, पड़ेगा पड़ेगा, खाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जो है ना, हमें दादर पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, और जो हमारा जो यहाँ का विजिट है वो रजिस्टर करना पड़ेगा, है ना, सब करना पड़ता है, उसके बाद आपका खाने का सोचते हैं, ठीक है? वहाँ चले? कभी हमारे बारे में सोचती हैं आप पहले। टैक्सी। जुहू चौपाटी, दादर पुलिस स्टेशन चला। हाँ वही वही जुहू चौपाटी। लो आ गया फिर से डीएसपी सर का फोन। कब तक उनसे झूठ बोलेंगे, कब तक उनसे बहाने बनाएंगे? जिस दिन डीएसपी सर को पता चल जाएगा ना कि पिछले एक महीने से हम हसीना मलिक की आवाज में उनके साथ बात कर रहे हैं, हमारी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, मगर हमारी बेदाग सर्विस पर जो दाग लग जाएगा ना, सो अलग। कहाँ फंसा दिया आपने हमें? तो क्या करें हम, बताइए क्या करें हम, समझाइए हमको। अगर ये बात आम हो गया कि मैडम सर अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, तो उनके हमलावर को हम कभी कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे ना पुष्पा जी। तब तक हमें ये राज राज ही रखना है पुष्पा जी। हमें उम्मीद है कि हम उन तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई रास्ता बनेगा और हम ना उनको दबोच लेंगे तब जाके। मगर कब हो गया ऐसे? हाँ पिछले एक महीने से हमने पूरी दुनिया से, डिपार्टमेंट से ये राज छुपा के रखा है। कुछ हुआ, उनके हमलावर सामने आ गए, अरे उनको पकड़ना तो छोड़ो, उन तक पहुंचने का छोटा मोटा सुराग तक नहीं मिला हमें। आपको लगता है अभी भी कोई उम्मीद बची है? और कितना इंतजार करेंगे बताइए? हमें ये सच्चाई मान लेनी चाहिए कि ये सब करके कोई फायदा नहीं है। हमें ये कोशिश छोड़ देनी चाहिए और पूरी दुनिया को बता देना चाहिए कि मैडम सर के साथ क्या हुआ है। नहीं बिल्कुल भी नहीं पुष्पा जी, पता है सबसे अहम बात हमने मैडम सर से कहा सीखी है, वो ये सीखी है कि कभी कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए, आखिरी सांस तक, मरते दम तक कोशिश करते रहना चाहिए, और वही हम करेंगे। हमारा दिल कहता है, हमारा दिमाग भी कह रहा है कि कोई सारथी जरूर मिलेगा हमें, जो हमें मैडम सर के ना कातिलों तक पहुंचाएगा। पता नहीं क्यों ऐसा हमें लग रहा है पुष्पा जी, इसलिए नहीं छोड़ेंगे हम उम्मीद। आप समझे हमारी बात को। हाथ लौड़ा कर साहब, हाथ लौड़ा कर साहब, हाथ लौड़ा कर साहब, हाथ लौड़ा कर साहब, वो तेरा साहब।
क्या होता है? चल चल निकल। ए आगे नहीं आने का। रेकड़ी ला हाथ लावला ना फोड़ेगी मैं। ए गाड़ी इधर से, वरना तेरी ये कबार के साथ ना तेरे को भी गाड़ी में डाल देगा। आ पुष्पन मारिएगा क्या आज हमको? हाँ नहीं तो आपका विंडो दिया है ना उधर, उसमें से देखिए दिख नहीं रहा है ना वहाँ से, फिर तो हमको मार देंगी ऐसे। बाप का जमीन समझ के कब्जा करके बैठे तुम लोग इधर? हाँ एक तो सरकारी जमीन पर कब्जा करते हो और ऊपर से आँख दिखाते हो। चल ये बताइए आता है आज लाऊं देखा माझे माऊलीला इधर ही तुमको लेटा की अंडा पावनी बनाए ना दर मी पण मुंबईची असल मुलगी नाही। बाप रे ये लड़की है या भवान? हाथ लाओ इधर इधर वो बड़ा तो माओ इधर हाथ लाओ हाथ लाओ हमें दिखते क्या तुमको हमेशा? एक मिनट मिनट अरे शान 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 यहाँ नहीं यहाँ नहीं अपना रिलेशन याद है ना? हाँ याद है हमको। सर आप हटाइए ना, ने कौन है? सब पीछे जाम लग गया, पूरा लोग चिल्ला रहे हैं पीछे से, हटाइए प्लीज। नहीं 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 हम चल रहे अंदर ले चल आज तक जैन सर। तुमने जैन क्यों बोला? सर मैं भारतीय हूँ ना। अरे तुम चोर हो। भारतीय चोर सर? अरे तो यहाँ क्या कर रहे हो? भारत में थाने में। अभी भी थाने में क्या कर रहे हो? सर मैंने माफी मांगी ना सर। सर मैं वापस माफी मांगता हूँ। सर सावधान सावधान, डीएसपी सर आ रहे हैं। डीएसपी सर सावधान। जैन सर। जैन सर आप यहाँ पर मैडम सर नहीं है थाने में? हम सब जानते हैं। मैं तो क्यों आए हैं? करिश्मा मैडम से मिलने आया है ना? पर थाने में तो करिश्मा मैडम भी नहीं है। हम ऐसे आ रहे थे सर। हम सब जानते हैं। अरे हम ही ने उन्हें मुंबई भेजा हुआ है भाई। और आज हम ना तो करिश्मा सिंह जी से मिलने आए हैं और ना ही हसीना मलिक जी से मिलने आए हैं। आज हम मिलने आए हैं पुष्पा जी से। आज हमने सोचा बहुत दिन हो गए पुष्पा जी के हाथों का व्यंजन नहीं चखा है और लगे हाथ हमारी पत्नी ने आज खाना जला दिया, तो सोचा कि पुष्पा जी का टिफिन नहीं है और पुष्पा जी भी नहीं है। अरे भाई बुलाइए पुष्पा जी को, बुलाइए। वो पुष्पा जी भी करिश्मा मैडम के साथ मुंबई गई है ना? क्या पुष्पा जी नहीं है? अरे ऐसे कैसे बिना इत्तला किए चली गई? इस थाने में कॉल प्रोटोकॉल नियम कायदा कुछ है कि नहीं? कोई कहीं भी मुंह उठा के चल देता है? बोल लगाइए।
फोन लगाइए उनको। जी जी सर। जी सर। एक इन्होंने अलग जान खा के रखी है। जय हिंद सर। जय हिंद। माफ कीजिए सर, हम थोड़े मशरूम थे तो आपका फोन नहीं उठा पाए। हाँ, आपके कहने का मतलब मशरूम थे। जी सर, वही। हसीना मलिक जी, पुष्पा जी आपके साथ हैं क्या? माँ? जी सर, वो हमारे साथ हैं, यहाँ यहीं बगल में बैठी हैं। आपसे जय हिंद कह रही हैं। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि पुष्पा जी मुंबई गई हैं करिश्मा सिंह जी के साथ। हाँ, वो मुंबई ही गई हैं, करिश्मा जी के साथ ही हैं। अरे लेकिन अभी तो आपने कहा कि वो आपके साथ हैं। जी सर, वो हमारे साथ भी हैं। अरे पर आप तो बैंगलोर में थी ना। हाँ सर, हम थे बैंगलोर, मगर ऐसा हुआ कि हमारी अम्मी की तबीयत ठीक हो गई ना, तो हमने सोचा ड्यूटी वापस ज्वाइन कर लेते हैं। और आपने कहा था कि रोबोटिक कंपनी को रिपोर्ट करनी है, तो हम सीधा यहीं चले आए मुंबई। अच्छा अच्छा। अब क्या कहें सर, वर्दी से ज्यादा दिन दूर नहीं रहा जाता ना, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। लेकिन सूचित कर देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, आप मुंबई पहुँच गयी है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप अच्छे से काम करिए और यहाँ वापस लौटिए। जी जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद। सर आप इत्मीनान रखिए, अभी एक बलवा का बिरयानी मंगा देते हैं, मस्त बनाया है आज। बैठिए। नहीं, अभी हमें जाना है। पार्सल। जय हिंद सर। जय हिंद। माँ, माँ का अभिनय उठा लो भगवान। अरे हाँ ना, हो गई ना गलती, हम भूल गए कि डीएसपी सर ने हमें पुष्पा को फोन किया था अपने मोबाइल पे। हो जाती ना ऐसी गलतियाँ कभी कभी। अब क्या करेंगे, वापस जाने के बाद डीएसपी सर पूछेंगे कि कहाँ है हसीना मलिक, तो फिर क्या जवाब देंगे हम। गलती आपका नहीं हुआ है, गलती हमारा हुआ है जो हम आपको यहाँ ले आए अपने साथ में। पहले कब बवंडर चल रहा है कि हमारे लाइफ में जो एक और टंटा पाल के रख दिया अपने यहाँ। तो माफ कर दीजिए ना भोलेनाथ, अब संभाल लीजिए आप ही। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, बड़बोलापन आप करें यहाँ पे और फिर संभालेंगे भोलेनाथ। हमारे भोलेनाथ सब सुनते हैं हमारी बात। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ना। मैया और मुंबई की कसम, उर्मिला महात्रे की मौली को उठा के लाए तुम। अरे उठाने का है तो अपनी सोच उठाओ ना, मेरी मौली को काय के लिए उठा के लाए। मौली है वो मेरी, मौली मंजे काय सांग रे, माई अम्मा, मेरी माँ को उठा के लाए तुम। अभी देखो कैसे बरसती है मैं तुम सब पे। ए का है? तुम लोग ने गरीब लोग को ये म्युनिसिपैलिटी का ना नल समझ के रखा है कि जब मन किया खोल दिया और पैसा निचोड़ना चालू। अरे गप्पा बस। ओ साहब, सब समझता है मेरे को, पेपर पढ़ने को नहीं आता है लेकिन लोगों को पढ़ के ना नड़ सकती है मैं। और तुम लोग क्या रे, तुम लोग पुलिस वाले हो, मेरे बाप के दामाद नहीं हो जो हुंडे में बाइक पाई जेल, गगल पाई जेल बोल के मेरी मौली को उठा के लाए। ए उर्मी गप्पा बस। हां पीछे हट, एक पटका देगी नहीं तो तेरी। अरे जाने दे बेटा, इतने टमाटर तो पुलिस ने जब्त नहीं की जितना तू खींच खींच के मार रही है। तो क्या काका, माफ करा, पर तुमको अच्छे से मालूम है ना कि कितने मेहनत और प्रामाणिकता से काम करती है मैं, हलगर्जी नहीं करती मैं काम में इन लोग की तरह। अरे सांग रहे इन लोग को, मेरे हाथ का बड़ा पाव खाओगे ना तब पता चलेगा कि उर्मिला मात्रे क्या चीज है। एक नंबर मराठी मुलगी है मैं, तू ए करेगा ना मैं आई जेड कर डालेगी। क्या बात है, जोरदार तालियां। कैसी लड़की है ये, कितनी गंदी जुबान है, कैसी बातें कर रही है, दिखाई नहीं दे रही है मगर वो। ओ साहब आइक, नीट आइका, अपना एक ही चुसुल, अच्छी को बहुत अच्छी, नहीं तर लवंगी मिर्ची एकदम कड़क लाल बड़क, समझ लगा। इसलिए कुछ भी करने का, उर्मिला का माथा घुमाने का नहीं, कर लगा। ए उर्मिला चुप। ए धमकी किसको देता है रे, तेरी तो।